अंदर अगर जब हम चलेंगे तो अंदर एकदम से जंगल टाइप का है। हमें कितनी पुरानी है? ये लगभग द्वापर की है। द्वापर युग की है जी। जो आप यहाँ पर जो चित्रकारी देख रहे हैं, जो डिजाइने देख रहे हैं, ये ओरिजिनल डिजाइने हैं, उसी समय की है। ये डॉट जैसी डिजाइन एकदम से, इसकी सबसे अच्छी चीज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा है आश्रम संस्कृत विद्यालय। आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं फरक्काबाद की बिसरातें। इसका हम आपको पूरा एड्रेस बताएंगे और पूरी जानकारी भी देंगे। आप अगर जो आना चाहते हैं तो यहाँ तक कैसे आएंगे, पूरा डिटेल में आज बात करने वाले हैं। क्योंकि मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक कन्फर्म ये नहीं बताया कि यहाँ तक कैसे आया जाता है। क्योंकि मुझे खुद आने में काफ़ी परेशानी हुई। और हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये हैं फरक्काबाद की बिसरातें, जिनको ऐसा कहा जाता है कि ये लगभग में 500 वर्ष से भी ज़्यादा हैं। और कुछ वीडियो में तो ऐसा भी कहा गया कि हजारों वर्ष पुरानी ये बिल्डिंग है, लेकिन मेरे देखने के अंदाज से हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि लगभग में ये 500 वर्ष से ज़्यादा की बिल्डिंग होगी। और जानेंगे इस बिल्डिंग के बारे में, आखिर में इसको बिसरात क्यों कहा जाता है। आइएगा, चलते हैं बिसरातों पर। और यहाँ का ये रास्ता है, अभी ये एक कच्चा रास्ता है और इधर जो है गंदा पानी बहता है। ये वाला देख सकते हैं, ये नाला है यहाँ पर। और अभी हम बिसरातें जो हैं, बिसरातों की जो बिल्डिंग है उसके पीछे वाले हिस्से में आ गए हैं। तो आइएगा, ये इनके दरवाजे हैं, इनके अंदर चल के देखते हैं क्या देखने को मिलता है। ककैया ईंट, इसको ककैया ईंट बोलते हैं, ठीक है। और ये ककैया ईंट लगभग ऐसा कहा जाता है, इतिहास में पढ़ने पर मिला है कि लगभग ये 500-600 वर्ष पहले ककैया ईंट चला करती थी। इसके बाद लाहौरी ईंट आई है, जो ऊपर इससे थोड़ी मोटी होती थी, लेकिन ये ककैया ईंट है। लगभग में 1 इंच से भी पतली ईंट ये ककैया ईंट है। और इस ककैया ईंट के से ये बिल्डिंग बनी है, तो उसी को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग जो है काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। तो आइएगा, अंदर चलते हैं, अंदर का भी नज़ारा देखते हैं। ये जो है अभी जिसके दरवाजे वगैरह जो खाली हो चुकी हैं, और ये बिल्कुल रिस्क से कम नहीं, जहाँ मैं खड़ा हूँ आप लोगों के लिए जान जोखिम में डाल करके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऊपर देखेंगे ना, ऊपर की ये डिजाइन दिखेगा, ये डॉट जैसी डिजाइन है एकदम से, इसकी सबसे अच्छी चीज़ आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो नीचे से कैमरामैन से कहेंगे, आप जूम करके दिखाइएगा इसको, देखिए गोल आकार में बनाया गया, देखिएगा एकदम से गोल आकार में इसको ढाला गया है। ये जो लेंटर है पूरा गोल आकार में पड़ा हुआ है। तो ये जो है दरवाजे बनाएंगे, इसमें भी कहीं पर भी गिट्टी मोरम का यूज नहीं हुआ है, ना ही कोई सरिया वगैरह है, कहीं पर भी लोहा का यूज नहीं हुआ है। और पुरानी लकड़ियां हैं, जो ये वाली देखिए, इसको अगर जो हम दिखाएं, ये वाली लकड़ी दिखाइएगा, ये जिसको चौकड़ वगैरह बोलते थे, ये काफ़ी पुरानी उस समय की लकड़ी है जिस समय ये बिल्डिंग बनाई गई थी। हालांकि यहाँ पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिपेयर ये हुआ है, और ये पूरा जंगल पड़ा हुआ है। अभी हम आ गए हैं दोस्तों इधर पीछे से, और ये जो सामने यहीं पर गंगा हुआ करती थी, ये यहाँ जो देखेंगे इधर ये पानी भरा है, यहाँ पर अब खेती होती है, यहीं पर गंगा होती है। अभी जो है गंगा लगभग में 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर पहुँच गई है। अब ये देख सकते हैं, ये जो मंदिर टाइप के बनाए हुए हैं, ऐसा बताया था कि ये पुराना घाट था, मतलब ये सीढ़ियाँ हैं दोस्त, इनको देखिएगा, ये उसी समय की सीढ़ियाँ हैं जिस समय ये बिल्डिंग को बनाया गया था, उस समय की सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों की उम्र 500 वर्ष से ज़्यादा की है। तो आइएगा, तो अब आ गए हैं हम इस बिल्डिंग के ऊपर जो है, जहाँ से हम अंदर चलेंगे। और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है आश्रम संस्कृत विद्यालय, यहाँ पर एक विद्यालय भी चलता रहा है। ये देखिएगा डिजाइन जो है इसका, जो ये काफ़ी अच्छी डिजाइन है। और ये इसकी ये नक्काशी का जो हम देखेंगे इस गेट के भी, तो यहाँ पर भी ये गेट काफ़ी अच्छा है। और अस्तित्व को बचाने के लिए मोहताज है, अपने अस्तित्व को बचाने में लगी हुई है। और आप ये देखिएगा, ठीक तरीके से समझ में आ सकता है कि ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है। अब हम आ चुके हैं इस गुम्बद के बीचों बीच में। अगर जो हम ऊपर से देखेंगे, देखिए ऊपर से ये डिजाइन जो किया गया है, जो आप यहाँ पर जो चित्रकारी देख रहे हैं, जो डिजाइने देख रहे हैं, ये ओरिजिनल डिजाइने हैं, उसी समय की है। आपको बताएं कि उस समय जो था, जो कलर होता था वो फल और सब्जियों के साथ कलर किया जाता था मिक्स करके, क्योंकि इस समय वाला कोई कलर नहीं होता था। और उस कलर में कितनी दम थी, जो आज देखिए 400-500 वर्ष पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है,
और 500 वर्षों से भी ये बिल्डिंग का जो कलर है अभी भी ओरिजिनल कलर ऊपर देखने को मिलता है। और आसपास जो है ये देखिएगा कई भगवानों की मूर्तियों को बनाया गया है। आप चारों तरफ अगर देखेंगे, घुमा के हम चारों तरफ से आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पर देखिए कई भगवानों की यहाँ पर लगातार मूर्तियाँ अलग अलग भगवानों की बनाई गई हैं। और ये देखिएगा यहाँ पर जो है हमारे हिंदुस्तान में, हर वीडियो में बताता हूँ कि एक बहुत बड़ी गलती है, जो लवर होते हैं ना वो हर जगह अपनी को दिखाते रहते हैं, तो ये भाई गलत है। इस वीडियो में रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ऐसा मत क्या करिएगा। हाँ ये मतलब लिखना गलत है भाई, ठीक है, ये हमारी जो पुरानी चीजें है, पुराना जो धरोहर है देश की, उसको इस तरीके से बदनाम ना क्या करें। तो आइएगा चलते हैं आगे की ओर। अभी हम आ गए हैं दोस्त इधर, और इधर जो है इस वाली बिल्डिंग में जो हम देखेंगे, ये देखिएगा अंदर आते हैं, और अंदर जो है अभी ये पूरी जर्जर हालत में खड़ी है, ठीक है, हर जगह से ये बिल्डिंग चटक चुकी है। और ये देखिएगा ये जो सरसों होती है तोरी वगैरह, उसको रख दिया गया है क्योंकि इसके अंदर एक परिवार रहता है। अंदर तो अब जा नहीं सकते क्योंकि एक परिवार रहने लगा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि लोग कब्जा तो करते ही रहते हैं धीरे धीरे, तो चलेंगे। और ये देखिएगा आप यहाँ पर एक गेट लगाया गया है, ताला लगाया गया है, इसके अंदर नहीं जा सकते, भरैया है भाई एकदम से। और अंदर से दिखाइएगा एक बार, तो थोड़ा जूम करके दिखाइए, कोशिश करिए दिखा सकते हैं, तो ये देखिएगा इसके अंदर अगर दिखाते हैं तो अंदर तो पूरा भाई ये बंद कर रखा है, इसके अंदर तो नहीं जा सकते हैं, तो इधर चलते हैं। और एक और हमको प्रतिमा मिली है, ये देखिएगा ये कौन सी देवी है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि इन देवी का नाम क्या था, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छी डिजाइन है, और समझ सकते हैं ये कितनी पुरानी प्रतिमा है। और यहाँ पर जो है गंगा जी की वाली साइड जो है, इसमें और ही इस तरीके की प्रतिमाएँ बनाई गई थी। और ये भी यहाँ से अगर दूर से हम दिखाएंगे तो ये देखिए एक उधर भी मंदिर जैसा है, उधर भी है, ये मंदिर जैसे कई बनाए गए हुए, देखिए ये गुम्बद जो है बनाए गए हैं, 1, 2, 3, 4 और आगे भी होंगे, तो 4 गुम्बद तो यहाँ पर दिख रहे हैं। इधर देखिएगा इनका एकदम से, आइएगा इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर आ गए हैं, ये इसके ऊपर दिखाइएगा, देखो ये देखिएगा काफ़ी अच्छा है। और इसके जो ऊपर जो लेंटर डाला जाता था, गोलाई में डाला गया पूरा, जैसे हमने आपको बाहर दिखाया था, पूरा यहाँ पर भी पूरी बिल्डिंग में ही गोलाई पर लेंटर डाला गया, डॉट वाला जिसको बोलते हैं, एक डॉट वाला वैसा होता था गोल गोल, लेकिन ये गोलाई वाला डॉट है, ठीक है। और ये देखिएगा ये उसमें जो है आरे वगैरह बनाए गए हैं, रोशनी वगैरह दिए वगैरह रखने के लिए, कि उसमें लाइट वगैरह होती नहीं थी, तो दिए ये रखने के लिए बनाए जाते थे ये। और यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है भाई, ये देखिएगा बाद में कुछ लिखा गया है, तो इसको आप समझ में नहीं आ रहा स्पष्ट में। बिल्डिंग भाई काफ़ी अच्छी है, ये बिसराते हैं। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बिसरातों पर जब मैं पहुँचा हूँ, उनको देख ही रहा था, तभी हमको यहाँ पर बाबा जी मिले हैं, यहीं पर रहते हैं। तो आइएगा जानते हैं, विस्तार से बात करेंगे बाबा जी से, और बाबा जी विस्तार से इन बिसरातों के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि बाबा जी अब यहाँ रह रहे हैं तो इनको जानकारी जरूर होगी। बाबा जी आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। बाबा जी हम आपको शुभ नाम जान सकते हैं? सेवक गौतमनाथ। अच्छा बाबा जी जो बिल्डिंग है लगभग में कितनी पुरानी है? ये लगभग द्वापर की है, द्वापर युग की है। और इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था सेठ धन्ना, सेठ धन्ना ने। अच्छा ऐसा भी कहा जाता है कि पहले गंगा जी यहीं पर थी, सामने ही गंगा यहाँ से गुजरती थी, यही घाट था, यही घाट था जी। इसको ही पहले पंचघाट कहते थे, पुराना प्राचीन घाट यही रहा, पांचाल घाट इसी को कहते थे। अच्छा और भी जानकारी? यहाँ नाव से कारोबार होता था, नील और अफीम का। नील और अफीम का जी। यहाँ पर एक मंदिर है, और आइएगा ऊपर चलते हैं मंदिर पे, ये सीढ़ियाँ बनी हैं, और ये जीना भी उसी समय का एक पुराना जीना है। तो आइएगा, आइए भाई जूते वगैरह उतार देते हैं यहीं पर। अभी हम ऊपर ही देखिएगा, ये एक नया मंदिर बना दिया गया है ये, और अच्छा पुराने मंदिर है लेकिन इसको सुंदरीकरण करा दिया गया है।
और ये शंकर जी का मंदिर है, मोटे महादेव जी का मंदिर है। ये देखिए अंदर बैठे हुए हैं, और भी भगवान की हैं प्रतिमाएं लगी हुई, लेकिन प्रमुख रूप से भोलेनाथ की प्रतिमा है। और अंदर आने के बाद काफी अच्छा लगता है यहाँ पर, और ठंडक भी रहती है। ऐसा कहा भी जाता है कि भगवान के घर जाओ तो शांति मिलती है। देखिए नल लगा है, इसके अंदर समर वगैरह डाली गई है पानी आने के लिए भी, एकदम से ठंडा पानी है। और इधर बजरंगबली जी है, ये देखिएगा, ये बजरंगबली जी का मंदिर है। और इसके पीछे चलते हैं, जो हम पीछे चलेंगे तो इधर जो है कुछ लोग रहते भी हैं। और ये देखिएगा, और यहाँ पर दो शेर, ये देखिएगा, यहाँ पर एक गेट है। और इस गेट पर पीछे की ओर का जो देखेंगे तो ये वही विश्रामते हैं, उसी की बिल्डिंग है ये। और अब जो है ये बिल्डिंग जो एकदम से मतलब गिरने की कगार पर है। इसकी जो डिजाइन है वो बिल्कुल ही अभी जितनी भी बची है उतनी तो अच्छी है, लेकिन एकदम से गिरने की कगार पर कभी भी ये बिल्डिंग ढह सकती है। अपना अस्तित्व को बचाने में लगी हुई है, जद्दोजहद लड़ रही है। और अंदर का जब हम चलेंगे तो अंदर एकदम से जंगल टाइप का है, इसके अंदर चलते देखते हैं, ये देखिएगा। और इसके हम अंदर आ गए भाई, ये देखिएगा, ये भाई एकदम से बहुत ही दिक्कत है यार, इसके अंदर आ गए, इसके अंदर वो भी जहाँ पर कंडे वगैरह पासे जाते हैं भाई। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली जगह कैसी लगी है, और इसका अगर हम बारीकी से डिजाइन वगैरह दिखाएं, देखिएगा जितना भी अगर जितना बच्चा हिस्सा है ना वो काफ़ी मतलब इसकी जो डिजाइने वगैरह हैं मस्त हैं। इनके कुछ ही जगह पर अगर जो हम इसके नीचे देखेंगे कलर, तो ये अभी भी कलर जो है ओरिजिनल वाला कलर है, जिस समय ये बिल्डिंग बनी होगी उस समय का ये कलर है। और ये देखिएगा पूरा का ढह चुका है पूरी बिल्डिंग लगभग में, कुछ दीवारें बची हुई हैं यहाँ पर, ज़्यादातर तो हिस्सा जो है इसका ढह गया है। अभी देखेंगे, ये देखिएगा भाई एकदम से यार। तो आइएगा चलते हैं आगे की ओर, और इधर एक माता जी एक कंडा बना रही हैं, तो इनसे भी थोड़ी बातें कर लेते हैं। ये देखिए विकलांग माता जी हैं और इसी बिल्डिंग के अंदर कंडे बना रही हैं, तो कम से कम ये बिल्डिंग बनी तो कुछ गरीब लोगों का भला तो हो रहा है, जिनको छत मिली हुई है अपना इसमें गुजर। ये आप कितने दिन से कंडे वगैरह पाथ रहे हैं? हमारे दादी दादा पहले से जमाना में पाथ रहे हैं, तब हम आए हम पाथन लगे। अच्छा अच्छा, हाँ पहले के क्या मतलब कंडे पाथे पीछे रहते कौन लोग हैं? पता है परिवार भी रहते हैं, परिवार वाले जी गाँव के। ये गाँव कौन सा है? टटिया गाँव है, इस गांव का नाम दोस्तों टटिया है। और आप अगर जो विश्रामते देखना चाहते हैं 400-500 वर्ष पुरानी बिल्डिंग को देखना चाहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग की है, लेकिन द्वापर युग की है या नहीं है कि लोगों की बातों पर नहीं हम जा सकते, लेकिन मैंने जो देखा है तो ये जरूर है कि ये 500 वर्ष से ज्यादा पुरानी ये बिल्डिंग जरूर है। और यहाँ पर हमको एक जीना भी मिला है, ये जीना है और जो काफी जर्जर हालत में है भाई, इससे अगर जो चला जाए ऊपर तो रिस्क है, उसके ऊपर जाया जाए नहीं जाया जाए भाई। डरावनी तो है बिल्डिंग, जब बंदर ने यहाँ पर हमला किया तो मेरा तो पसीना छूट गया, अभी देखो धक 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 हो रहा है एकदम से, ठीक है तो डर लग रहा है। और अभी तक जितने भी वीडियो हमने यहाँ के देखे इस बिल्डिंग के बरसात पे कहते क्या कहते जो विश्रात कहते हैं, ठीक है। और चलिएगा दोस्त, इस बिल्डिंग का जो आप आना चाहते हैं तो हमारे भाई जो हैं आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप इस बिल्डिंग तक कैसे आ सकते हैं, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है इस बिल्डिंग को ढूंढने में, जब मुझे इस बिल्डिंग का किसी भी वीडियो में एड्रेस नहीं मिला, मैंने लोगों के पूरे पूरे वीडियो एक एक नहीं 4-4 बार देखे, जब कहीं पर नहीं मिला तब जाके हमने भाई को संपर्क साधा, भाई बोले कि हमको पता है कि ये बिल्डिंग कहाँ पर है। तो आइएगा भाई से ही सुनते हैं इस बिल्डिंग के आने का पूरा एड्रेस।
तो आप यहाँ पे आने के लिए आप सबसे पहले फरगाबाद के आगे जाएंगे, जो पांचाल घाट का जो चौराहा पड़ता है जी, ठीक है, वहां से लेफ्ट तरफ मुड़ जाएंगे जी जी, एक गांव पड़ता है अमाटी, अमाटी गांव। हाँ, अगर आपको वहां से चौराहे से लेफ्ट मुड़ेंगे आगे पड़ता है अमाटी गांव, बस अमाटी गांव के अंदर घुस जाओ आप, ठीक है। घुसने के बाद सीधे जब आओगे तो सीधे आने के बाद जैसे गांव खत्म होता है उसके बाद राइट साइड मुड़ना है, राइट साइड मुड़ के सीधा आप बिसरात के पास, मतलब जहाँ बिसराते हैं वहीं पे अमाटी गांव में आकर पूछ भी सकते हैं तो लोग आपको बता देंगे, ठीक। और अमाटी गांव से लगभग ये 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और सामने ही गंगा जी है। हाँ, ये मतलब ये मान चलो आप गंगा जी के बिल्कुल किनारे, मतलब यहीं से जो एक तरह से बोल सकते हो ना, ये पंचाल घाट है, मतलब पुराना पंचाल घाट है जो यही है, राजा महाराजाओं के जमाने का जो पंचाल घाट था वो वाला, यही वाला जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये लोकेशन कैसी लगी है और लोकेशन की जानकारी भी आपको कैसी लगी है। बिल्कुल, तो चलिए बचा हुआ हिस्सा और दिखाते हैं, इसके बाद करते हैं वीडियो को एंड। दोस्तों चलिएगा, देखिए आपके लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए जान जोखिम में फिर एक बार हमने अपनी डाल दी है, और इतना तो रिस्क बनता है अपने सब्सक्राइबरों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए। जहाँ से मैं बैठ के ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्डिंग जो है एक अपने आप में अजूबा कहेंगे हमको, और इतनी पुरानी बिल्डिंग आज भी मतलब खड़ी है। और अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा रिस्क लेते हुए आप मेरे पास आइएगा और हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहे हैं कि अभी तक आपने अपने इतिहास में अपनी ज़िंदगी में इतना मोटा लेंटर नहीं देखा होगा। तो आइएगा, जूम करिएगा, अच्छा जूम कर लीजिएगा, डर लग रहा तो आप जूम करिए, जूम करिए, फुल जूम करिएगा, देखिएगा ये लगभग में 1 फुट मोटा, 1 फुट मोटा लेंटर है। आज लोग 3 इंच या 4 इंच का लेंटर डलवाते हैं और ये जो है 1 फुट ऊंचा मतलब मोटा बिना सरिया के, इसमें कहीं पर भी आप अगर यहाँ पर बारीकी से हम देखेंगे तो कहीं पर भी सरिया नहीं नजर आ रही है, कहीं पर भी सामने जो है गंगा जी दिखती है। सामने अगर हम दिखाएंगे आपको देखिएगा तो यही गंगा जी है सामने, है लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से लग रहा है बिल्कुल पास में ही है। और सामने गेहूं वगैरह कट रहे हैं, पहले यहाँ पर खेती नहीं होती थी, अब यहाँ पर खेती होने लगी। चलिएगा दोस्त चलते हैं अब बाहर की ओर, और बिल्डिंग से निकलेंगे बाहर। तो चलिएगा भाई चलते हैं। और इस जीने से चढ़ना उतरना भी बहुत रिस्क है, क्योंकि इस जीने की एक सीढ़ी लगभग वे गायब है, ठीक है, मतलब टूट चुकी है। ये देखिएगा भाई कैमरामैन बहुत आराम से आना, ठीक है, ये वाली सीढ़ी जो है गायब हो चुकी है, तो इसके ऊपर जाना भी एक रिस्क है, खतरे से खाली नहीं है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये जो है इसका बिल्डिंग का चढ़ने लायक ऊपर टॉप का हिस्सा ही है। ऊपर से अगर हम देखते हैं तो ये देखिएगा ऊपर से ये भाई, और अभी जो है हवाएं इतनी तेज चल रही हैं, इसका कुछ कहना नहीं है, इतनी तेज हवाएं चल रही है कि कहो कि हमारी आवाज़ भी स्पष्ट नहीं आ रही हो, ठीक है। चलिएगा मैं और ऊपर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा इस बिल्डिंग के चारों तरफ को जो घूम के दिखाएंगे, ये हो गया भाई पूरा चारों तरफ से देखिएगा, ये अंदर के एक कैसे का पेड़ है, ये सामने अगर देखेंगे तो ये जो है दिख रहा है, ये इसको अगर जो हम जूम करते हैं तो ये कैथे का पेड़ है, यहाँ पर कैथे लगे हुए हैं अभी। ये भाई क्या बात है यार। चलिएगा दोस्त आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ये वाली लोकेशन आपको कितनी पसंद आई है। तो ओबरा भैया तुमने यार घुमाएगा ना हमें बताइए, मजा दिलाए दो भाई, आनंद आओ, अरे बहुत। चलिए ऑडियंस आप भी बताइएगा कि गाइड की आपको कितना मजा आया है, क्योंकि इस लोकेशन को ढूंढने में काफी परेशानी हुई और मैं आपके लिए इस प्रकार की लोकेशन लाता रहता हूँ। तो चलिएगा फिर मिलेंगे एक और नई लोकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।